दिया। तो भाई राम राम दोस्तों, भाई आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है भाई सुबह के 8 बजे। तो भाई देख सकते हो क्या चल रहा है, भाई जिम चल रहा है असली वाला। अभी क्या गन्ने लग रहा है, तो भाई कि यहाँ पे क्या सीन हुआ, यहाँ पे क्या है मुहाने छूट जाते हैं ना, बैल क्या है ये ना पूरा कवर नहीं कर पाता, तो अभी से हमें हाथ से ठीक करने पड़ेंगे अपने हाथे फड़ुए से। तो भाई इसका तरीका है ये, हमारे पास जेस भाई खेतों में काम करते हुए देसी बालक, देसी बालक। तो भाई ऐसे काम करते रहने पड़ा है ना टुल्लू में, तो खेत तो कोई काम है हमारा, ऐसी थोड़ी, ऐसी थोड़ी बॉडी बन गई भाई, पकौड़ों का कारोबार नहीं है, करोड़ों का कारोबार है हमारा। तो दोस्तों अभी दस नसीरी करने के बाद अब टुल्लू का नंबर आ गया, अब टुल्लू लगावा। टुल्लू टुल्लू एक बात है भाई, टुल्लू की काम में पक्का है लौंडा। ये देखो भाई तरीका, देखो भाई लौंडों का लोन काटने की टेक्निक। अब क्या है भाई, अब ये यहाँ पे गन्ने लगने शुरू हो जाएंगे, वो देखो ये बीज वाला गन्ना है, और हमारे पिछले वाले भाई खाद गिरते हुए, और क्या है नर्सरी में क्या है बीच बीच में हम खाद वगैरह भी गिर रहे हैं ना, ताकि उसे एनपीके नाइट्रोजन ही तो रहता है। हाँ तो क्या है गन्ने की उपज के टाइम पे क्या है ये भाई, ये न्यूट्रिशन भाई गन्ने को चाहिए चाहिए रहा है बीच पे। तो क्या अतुल अब नर्सरी से नर्सरी गिर रहा है, अब ये क्या है यहाँ तो इसने पूरा गिर दिया, अब ये पूरे में वहाँ तक गिरेगा। तो दोस्तों चल रही है भाई खेती मेरे हिसाब से, तो पक्का कारोबार नहीं फार्मिंग पक्का कारोबार भाई। अब मेरे हिसाब से यार दो ढाई घंटे लग ही जाएंगे इन्हें बीज लगाने में। उन्होंने क्या है देखो वहाँ से लगाना चालू कर दिया, मैं ये देखो भाई बीज लगाना वहाँ पे चालू हो चुका है, वो क्या है नर्सरी से नर्सरी घेरते जा रहे हैं। तो भाई अभी क्या है भाई काम करते करते भाई लौंडों को लग गई थी थकान, अभी पानी पिया और यू ले आया भाई अपने लिए खुराक। दिखा भाई क्या खुराक लाया, पंजाबी तड़का और खट्टा मीठा नमकीन। कहीं दारू चल नहीं है पूरा चकने वाला आइटम लाया तू भी खाना पड़ता है। तो गाइस ये देखो गाइस हम ये खाने जा रहे हैं, खट्टा मीठा नमकीन बहुत बढ़िया लगती है मुझे। लो आप पंजाबी तड़का खाओगे? चल यही खा लेंगे यार, खट्टे मीठे, अरे बाट बाट के खा लेंगे ठीक है। तो भाई बड़ी आउट ऑफ डाइट है, पर क्या करें यार थकान बहुत लगती, काम बहुत कर देंगे भाई। टुल्लू इसने मेरी नमकीन खा ली थी, साड़ा अपनी वाली छुपा रहा है। पंजाबी तड़का मैंने इनसे ले लिया, अब मुझे मजबूरी में अपनी नमकीन लेनी पड़ी, बस जा देंगे अभी, दे दे थोड़ी सी, इतनी तो दी थी आपने। देख जरा भाई बताओ कोई कौन सी ज्यादा है कौन सी कम है, वाली ज्यादा है देख, गहरी इसमें थोड़ी और। हाँ अब ठीक है। तो दोस्तों भाई अभी हमारा प्लान बना है, अभी ये वाला 1.5 बीघे वाला 1.5 बीघे में गन्ना लग जाएगा, फिर 1.5 किला 2.5 करोड़ का किला नहीं। तो फिर आगे अभी कितना 2.5 करोड़ से ऊपर का होगा हमारा किला, 4.5 भी कुछ और है वहाँ पे भी लगना है। तो उसके बाद हमने सोचा भाई करेंगे भाई पार्टी। अब पार्टी किसी करेंगे भाई, मटन बिरयानी, क्योंकि भाई शगुन में तो अच्छी बनी नहीं थी, अब क्या है अपने घर में बनाएंगे अपने तरीके से अपने मसाले एकदम स्वाद भाई। देखो भाई टुल्लू ने तो टुल्लू यार डालना काटा यार पड़ोसी होगी यार। ये देखो भाई टुल्लू ने तो एकदम खेत रवा कर दिया भाई। असल में क्या है ना यार ये इतना ना बैल असल में घूमता है तो इतनी जगह रह जाती है वो, अब क्या इसे हाथ से करना पड़ता है, इसे कहते हैं मुहाने ठीक करना है भाई। मुहाने तो अब सारे हो चुके हैं, और ये देखो कौन से कैसे गाने सुन रहा है भाई, आ रहे तेरे समझ में हैं पूरे। लो भाई ये भी नहीं पड़ गया। टुल्लू काम खत्म हो गया, कैसा लग रहा? बढ़िया बढ़िया। दोस्तों अभी वहाँ का तो नहीं पड़ गया था, अब क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ पे बना रहे हम सीधा बोला पानी लगाने। तो असल में इस भाई इस बॉल का काम क्या है जो हम बना रहे, तो क्या है अगर हम डायरेक्ट इन नर्सरी में पानी नहीं छोड़ सकते, इससे क्या होगा भाई बीज खराब हो जाएगा सारा, तो पानी वहाँ से आएगा और ऐसे ही इससे आएगा और धीरे धीरे सारी नर्सरी में उतरता रहेगा पानी, तो इसलिए भाई हम ये बॉल्ला खोद रहे हैं वाला। तो भाई अभी से करते हैं पूरा। भाई टुल्लू ने इतना बढ़िया काम करा था, पर क्या कर लिया मैंने भाई इसे गलत बता दिया। टुल्लू पूछिए एक बार फिर से, सही तो है तेरा मेरा नहीं है, सही है वो तेरा मेरा कर दिया तन्ने हम सही है।
हम तो बढ़िया काम करे, बढ़िया का रखा भाई मस्त एकदम। तो भाई ये भी लगभग नहीं पड़ गया दोस्तों। भाई अब तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड भाई आपको ब्लॉग्स मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम भाई, टाइम टू टाइम। अब क्या, अब तो अब आपने देखा भाई गन्ना कैसे लग रहा, अब अगला ब्लॉग दिखाएंगे भाई इसमें पानी कैसे लग रहा, फिर दिखाएंगे भाई इसमें फर्टिलाइजर कैसे, खाद कैसे गिर रहा भाई, मेड़ा कैसे दे रहे, हर चीज़ का ब्लॉग दिखाएंगे भाई। एग्रीकल्चर से रिलेटेड भाई फुल ब्लॉग मिलेंगे, खासकर गन्ने से रिलेटेड दोस्तों। तो भाई आज देखिए तक तो भाई हो चुका है, अभी क्या है, अभी टाइम क्या हो रहा है भाई, अभी तो 11:30 हो रहे, तो 12:30-12 बजे तक और लाएंगे, फिर धूप ज़्यादा हो जाएगी ना, उसके बाद ये खाना वगैरह खा के आराम करके तो फिर आएंगे 2:30-3 बजे करीब फिर से, और ये क्या है खेती वाला निपटा देंगे, उसके बाद परसों नरसों फिर दूसरे खेत में लगेंगे। जब टुल्लू छोटा था ना भाई, इनने मच्छियाँ बहुत मारी भाई नहर में, है टुल्लू कितनी बड़ी बड़ी मारी, इतनी इतनी मछलियाँ यार हमारे नहर में आ जाते थी। हम क्या काम करते थे, वो लाते थे चुन्नी होती है ना चुन्नी, हाँ चुन्नी लाते थे, और चुन्नी भाई फंसाई नहर में और मच्छियाँ करी चुन्नियों की तरफ, और भाई चुन्नी उठा दी, और फिर क्या काम करे मेरा कुत्ता था भाई जैकी, उसे खिलाते थे। तो क्या यार हमारा तो जो काम था वो निपट गया, अब जा रहे घर की ओर, घर की ओर क्या मंदिर पे छाँव में बैठेंगे आराम से, और देखेंगे यार कोई नारियल छोड़ गया तो नारियल खाएंगे। ये देखो भाई ये पेड़े बहुत पुराने हैं यार, बहुत पुराने आम के पेड़े। भाई मैंने सुना 200-300-400 के बेच रहे लोग भाई, बरसी का खेत है भाई हमारा ये। तो भाई ये है सिंचाई नहर, पूरी की पूरी बॉल लगा है वैसे। देखो भाई लसन है कि टुल्लू प्याज है, प्याज लगा रखी भाई एक सी लग गया, और यो लसन होगा। देखो भाई लसन हो गया भाई खोदने लायक, लगभग हो जाएगा हफ्ते दो हफ्ते में ना रहने हमारा होता तो हम कर लेते चेक। लो भाई हमारा खेत भी आ गया, इसमें भी है भाई लसन। 4 करोड़ 20 की कीमत बता दो लसन 28 फुट। देखो भाई पपीते का पिड्डा वो रखा, पपीते खाने हो तो कांटेक्ट करें। यो भाई बोले बाबा का मंदिर, जय भोलेनाथ। भाई अभी हम मंदिर में देख रहे हैं नारियल है कि नहीं है, टुल्लू चेक करके आओ, घंटी बजा के है। ओहो लगता है भाई सबकी मनोकामनाएं पूरी होगी भाई, कोई नारियल नहीं चढ़ा रहा। ये देखो क्या है, हलवा है क्या, रसगुल्ला है, हलवा है और पूरी है, आप देख सकते हैं मैं खा लूं मीठा नहीं। हाँ तू तो खा ले मीठा नहीं यार। भाई देखो कोई कोई करता है परहेज यार, हम तो करते नहीं भाई, मंदिर है मंदिर में प्रसाद ही चढ़े भाई, हम तो नारियल हो कोई सा प्रसाद हो फल फ्रूट हो भाई उठा के भाई खा ले मैं सीधे, हमें परहेज नहीं किसी चीज़ से। मेरा बचपन का चड्डा बड्डा यार, हाँ भाई कहाँ घूम रहा खेत में, नर्सरी कब कर रहे तुम है, कर लो फटाफट कर लो। तो भाई अभी भाई मैं पड़ के सो गया था, फिर उठा भाई मैं 3 बजे, फिर क्या हुआ जो हमारा दूसरा वाला खेत था भाई उसमें भाई गन्ने लगने हो गए थे चालू, तो फिर अतुल तो भाई जिम चला गया था, तो फिर मैं रुक गया था घर पे, और फिर कहते हैं खाद गिरने लग गया था। क्या हो गया हमारे ओपी ड्राइवर साहब नसरी खींचते हुए, ये बोल रहे बड़ा बड़ा वीडियो बना हमारी। ये देखो भाई असल में वाला खेत छोटा था, तो वहाँ तो बैल से नसरी हुई, यहाँ पर क्या है ट्रैक्टर से नसरी हो रही, ये ऐसी पूरी की पूरी। भाई अभी देखो भाई अभी यहाँ से लेके भाई यहाँ तक तो भाई मैंने NPK घेर दिया भाई, यो है भाई NPK का कट्टा, देख रहे भाई पैर की हालत देखो यार, गाइस पैर की हालत देखो, लाल पड़ चुके हैं नीचे से। अरे भाई अब कोई दिक्कत नहीं, जब भाई काम करना है खेती बाड़ी है तो भाई काम तो भाई करना पड़ेगा ही पड़ेगा। हाँ यार भाई मम्मी कह भी रही थी मुझको कि भाई कि रहने दे ना घेरे पैरों की ऐसी तैसी हो जाएगी, पर वही है ना भाई मज़ा आवे यार खाद घेरने में खेत में, मुझे सबसे ज़्यादा सुकून का काम लगता है। आराम से क्या करता हूँ मैं यो एयरफोन सुन ले कान में,
और आराम से गाने सुनते 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 भाई पता नहीं चलता कब 4 बीघा 5 बीघा भाई निपटा दिया। बस यही सुकून मिलता है भाई मुझे। ये देखो भाई, भाई आप खुद बताओ भाई, ऐसी जगह हो, ऐसा सनसेट सामने हो भाई, और इतना पीस हो भाई कि बता सुकून किसे ना मिलेगा भाई, है ना। तो भाई कोई कोई इस सुकून के लिए भाई तरस है भाई, और ये इस सुकून का भाई आनंद हम रोज ले भाई। पर भाई आनंद देखो क्या हाल हो गया, पर मज़ा आता है यार। इसके बाद जब आराम से नहा धो के रेस्ट करूँगा ना यार, सुकून की नींद आएगी, लगता है यार कुछ काम किया। असली जिम तो यहीं हो जावे हमारा। ट्रैक्टर बताओ भाई कैसा लग रहा, मतलब खैर कई बार मैंने ये ट्रैक्टर दिखा दिया भाई, पर कमेंट करके फिर बताओ भाई फिर कैसा लग रहा, दोबारा देख के कैसा लग रहा भाई। वो गाना है ना भाई, वो परमीश वर्मा का लाठी चैल ने लिरिक्स लिख रखे भाई, वो क्या है उसमें भाई, मिट्टी तो भाई माँ वर्गी और ट्रैक्टर सगिया भाई वर्गे, तो भाई ये हकीकत है भाई। और ये ट्रैक्टर ना हो ना भाई तो आप खुद ही सोचो भाई, ये पहले सगरा काम भाई हाथ से यार, ये सगरा काम पहले बैलों से किया जावे था, आप सोचो अभी तो ये देखो ये 3 कुंड खींच रहा है इकट्ठे, तीन उसमें लगे हुए खींचने, 3 नसीरी बनाने का तर, पहले एक बैल पूरी एक नसीरी करके चला था, फिर उसके भाई मुंह ठीक कर रहे थे भाई फड़ुए से भाई, कम से कम इतने ही खेत में कम से कम 2 दिन लग जा रहे थे, और अब यही काम ट्रैक्टर से भाई घंटे 1.5-2 घंटे में भाई निपट जावे। तो भाई सच में भाई ट्रैक्टर से गया भाई वर्ग रहे हैं भाई, बहुत साथ मिला भाई, बहुत सारा मिल जावे भाई इससे। और पहले भाई यो जितना भी करना है भाई आप खुद ही सोच लो, आप पहले बैल से ढोया जावे था वहाँ डोईवाला शुगर मिल तक, अब सोचो बैलों की क्या हालत हो जावे थी, बुग्गी फंस जावे थी, और क्या कहें मैं यो गन्ना भी पुराना जावे था, अब तो भाई ट्रैक्टर है भाई 35-35, 40-40, 45-45 क्विंटल भाई गन्ना इकट्ठा ही जावे भाई यहाँ से, और जहाँ प्लेन है जहाँ रास्ता सही है वो तो 50-50, 55 क्विंटल भाई गन्ना तुला दे मैं। भाई बौखला रहा भाई मका भाई, चैनल बहुत धीरे धीरे ग्रो कर रहा, देखो भाई मैंने कोई जल्दी नहीं, आराम से धीरे धीरे होता रहा, फास्ट भाई जल्दी का काम भाई सैतान का काम रहता है, तो जेन्युइनली भाई से ग्रो करेंगे धीरे धीरे, बस ऐसे सपोर्ट करते रहो, हर दिन 2-3-4 सब्सक्राइबर बढ़ रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर भाई अपनी तरफ से भाई जैसे मैं 100% दे रहा भाई आपको कंटेंट दिखाने को कहता भाई, तो आप भी भाई ऐसी 100% दो भाई अपना, ठीक है, ऐसी सपोर्ट करते रहो जैसे कर रहे हो भाई, कसम से आप काफ़ी लोग शेयर भी करने लगे हैं वीडियो, कमेंट अच्छे करो यूट्यूब पे भी भाई, फेसबुक पे भी, मैं दोनों जगह भाई वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, और इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके भाई फॉलो करो, मैं वहाँ वीडियोस की अपडेट भी देता रहता हूँ, और भाई वो रील्स भी वहाँ पे अपलोड करती रहना है भाई। सही है भाई कि क्या कह रहे भाई, ब्लॉगिंग से क्या है थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, जब अपना फ्री टाइम रहे ना भाई तो वो यूटिलाइज कर लूँ मैं इस काम में, तो क्या आपको भी नया नया कंटेंट रहा भाई, मेरा भी भाई टाइम यूटिलाइज हो रहा, और अपने जो काम वाले टाइम में भाई अपना काम देखते हैं, अपना काम धंधा देखते हैं। एक सेकंड क्या ड्राइवर साहब देखते हैं ज़रा जाके क्या कह रहे, हैं क्या करूँ इसका, क्या करूँ नहर में, अरे वो आगे फंस जाएगा ना फिर, चलो भाई यो कह रहे भाई इसे ये दिक्कत कर रहा, इसे नहर में बहा दे, लो जी हम भाई बात हुई टाल लेंगे भाई इनकी, पर अगर भाई ये मेरे खेत में फंस गया ना जाके। आपने जो भाई एक वीडियो देखी थी ना भाई वाली, मैंने भाई वाली वीडियो तो भाई देखी थी, क्या कहते हैं जो मैंने नदी वाली सुषमा नदी वाली बनाई थी, तो भाई आपको पता ही है भाई उसमें मैंने नदी के बारे में क्या क्या बताया था भाई, किसानों को क्या कुछ झेलना पड़ता है, तो भाई आप अभी देख रहे हो ना ये पानी फकट काड़ा आ रहा और पन्नियाँ आ रही दबा के भाई, और यो कहीं नहीं जा रही भाई, यो भाई हमारे खेतों में जा रही भाई, सगरी हमारे खेतों में जा रही, लोगों के खेतों में जा रही भाई, तो भाई इनडायरेक्टली भाई इसका नुकसान भाई आगे चल के किसानों को ही होता है, और फिर यही पानी भाई आगे चल के गंगा में जाके मिल जावे, तो भाई जो भी लोग कचरा फेंकते हैं भाई सरकार से, भाई जो करंट गवर्नमेंट है भाई पावर गवर्नमेंट है भाई, रिक्वेस्ट है भाई कुछ करो भाई इसके लिए, इसे लेके भाई और सुषमा नदी को भाई साफ़ करने के लिए भाई कुछ ना कुछ भाई एक्शन लिया जाए। तो
तो भाई दोस्तों लगभग आधा तो भाई काम निपट गया था, पर क्या है भाई अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया और ट्रैक्टर को भी मतलब अब क्या है अंधेरे में यार नसरी वगैरह करेंगे गलत जाएगी, उल्टा भाई सवेरे हमें मेहनत करनी पड़ जाएगी फटवे से। तो भाई मैंने कह दिया भाई अभी जितना है भाई हो गया, अब क्या है सुबह आके कर लेना कोई दिक्कत नहीं, तब तक इनकी चाल बन जाएगी जो गन्ने वगैरह लगा रहे। तो भाई मैं भी घर को निकलता हूँ भाई, तो भाई मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में भाई। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो भाई, शेयर करो भाई दबा के, और भाई बस शेयर करो भाई। जय राम जी की, बूढ़े बाबा की जय।